HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड जो कि सिर्फ सिविल बेसिस पे ये कार्ड मिला है बिना किसी इनकम प्रूफ के, और HDFC में किसी भी प्रकार का पहले से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही कोई सेविंग अकाउंट था। इसी के साथ साथ ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। कार्ड रुपए वेरिएंट द्वारा इशू होता है जिसे आप UPI ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की लिमिट भी यहाँ पे अच्छा खासा मिला है। 2,25,000 का लिमिट हमें प्रोवाइड किया गया है और कार्ड एक दिन के अंदर अंदर अप्रूव होकर के वर्चुअल क्रेडिट कार्ड हमें मिल चुका है। रिसेंट समय में HDFC में सबसे आसानी से कोई क्रेडिट कार्ड मिल सकता है तो वह है HDFC टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, जो कि इनके दो वेरिएंट के कार्ड आते हैं। अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है तो इन्फिनिटी कार्ड का अप्रूवल आएगा, अगर आपका प्रोफाइल एवरेज है तो आपको टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आएगा। लकीली रिसेंट समय में ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको फ्री में मिल जाते हैं, जबकि इसका नॉर्मली ज्वाइनिंग चार्जेस 500 प्लस GST प्लस कार्ड का होता है और इन्फिनिटी कार्ड का चार्जेस 1500 प्लस GST। लेकिन इन दोनों ही कार्ड के ऊपर एनुअल चार्जेस एप्लीकेबल है जिसे आप वेव ऑफ करा सकते हैं। एक साल के अंदर प्लस कार्ड के ऊपर 1,00,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो एनुअल चार्जेस वेव ऑफ हो जाता है, वहीं पे इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 3,00,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो आपका एनुअल चार्जेस वेव ऑफ हो जाता है। चार्जेस के मामले में बहुत ही अच्छा कार्ड है, फ्री में आपको कार्ड मिल जाएंगे। कार्ड रुपए वेरिएंट द्वारा इशू होता है जो कि जैसे ही आप कार्ड अप्लाई करते हैं अप्रूवल आते ही आपको पहले ही पूछ लिया जाएगा कि रुपए वेरिएंट में लेना चाहते हैं या वीजा वेरिएंट में लेना चाहते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घटा करके यहाँ पे मिनिमम उम्र जो है वो 18 साल कर दिया गया है। पहले क्या था कि HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड मिनिमम 21 एज के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, 21 प्लस होने के बाद ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड आप मिनिमम 18 के एज में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कार्ड को अप्लाई करने से पहले कार्ड का बेनिफिट हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो दो वेरिएंट के कार्ड हैं, इनके प्लस और इन्फिनिटी, दोनों कार्ड का अप्लाई करने का एक ही लिंक आपको मिलने वाला है जो कि आपके प्रोफाइल और आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड के लिए एलिजिबल है, लोअर वेरिएंट के लिए यानी कि प्लस के लिए या इन्फिनिटी के लिए। तो इस वीडियो में मेरा फोकस रहने वाला है इन्फिनिटी कार्ड लेने के ऊपर, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर बेनिफिट हमें बहुत ही ज्यादा मिलते हैं और इस कार्ड का भी कोई चार्जेस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इन्फिनिटी कार्ड से अगर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं तो 10% तक का कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं, जहां पे 5% कैशबैक आपको इस कार्ड के थ्रू मिलेगा और 5% का कैशबैक नियो मेंबरशिप के थ्रू मिलेगा। ये यहाँ पे देख लीजिए, नियो पास मेंबरशिप, जिस तरीके से अमेजोन में अमेजोन प्राइम मेंबरशिप होता है, फ्लिपकार्ट में प्लस मेंबरशिप होता है, सेम उसी तरीके से ये नियो पास मेंबरशिप का सिस्टम रखे हुए हैं। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सभी को नियो पास मेंबरशिप का एक्टिवेशन दे देते हैं, जिससे कि आप सीधा सीधा ये समझ लो टाटा न्यू एप्लीकेशन के ऊपर टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड से स्पेंड करते हैं तो 10% का कैशबैक मिलेगा। सेम वहीं पे अगर आपके पास टाटा न्यू प्लस कार्ड का अप्रूवल आता है और वो कार्ड लेते हैं तो टाटा न्यू एप्लीकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं तो 7% का कैशबैक देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आखिर टाटा न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्या चीज हम परचेज कर सकते हैं, तो जिस तरीके से अमेजोन है, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट है, जिस तरीके से एजेओ या ई कॉमर्स साइट वगैरह है, सेम उसी प्रकार से ई कॉमर्स साइट है टाटा न्यू, जहां पे कपड़ा से लेकर के और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। खैर, सबसे पहले मैं एक चीज कंफर्म कर दूं, टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड से कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो आप अर्न करेंगे वो टाटा न्यू के वॉलेट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बिल जनरेट होता है, आपका जो भी एलिजिबल कैशबैक होगा टाटा न्यू के वॉलेट में दे दिया जाएगा। जिस तरीके से अमेजोन पे ICC क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड है वो अमेजोन वॉलेट में मिलता है, सेम वही सिस्टम यहाँ पे भी है। और एक न्यू पॉइंट का वैल्यू 1 रुपए के बराबर होने वाला है, यानी कि 1,000 रुपए टाटा न्यू के स्पेंड करते हैं तो पूरी 100 रुपए का न्यू पॉइंट आपके वॉलेट में दे दिया जाएगा, जो कि आप उस वॉलेट बैलेंस को टाटा न्यू एप्लीकेशन के अलावा टाटा के किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर रिडीम कर सकते हैं। जो कि टाटा के प्रेफर्ड ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बिग बास्केट हो गया, क्रोमा हो गया, टाटा क्लिक हो गया, टाटा 1MG हो गया, टाटा प्ले हो गया, टाइटन हो गया, एयर एशिया हो गया, फास्टैग हो गया, तनिष्क हो गया, बहुत सारे आपको वाइड यहाँ पे रिडीमशन ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस कार्ड से टाटा न्यू एप्लीकेशन के अलावा टाटा के किसी भी ब्रांड के ऊपर स्पेंड करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो 5% का कैशबैक आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपको प्लस कार्ड का अप्रूवल आता है तो टाटा के ब्रांड के ऊपर स्पेंड करते हैं तो 2% का कैशबैक मिलेगा। सेम वही कंडीशन है कि कैशबैक आपको न्यू कॉइन के वॉलेट में मिलेगा। इसके अलावा टाटा न्यू एप्लीकेशन में बिल पेमेंट का सेक्शन दिया गया है, जहां पे किसी भी प्रकार का यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहां पे देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज हो गया, DTH हो गया, फास्टैग हो गया, यूटिलिटी में आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ठीक है, एजुकेशन फी हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, लैंडलाइन हो गया, ये सब स्पेंड के ऊपर अगर आपके पास इन्फिनिटी कार्ड है तो 5% का कैशबैक मिलेगा, अगर आपके पास प्लस कार्ड है तो 2% का कैशबैक मिलेगा, जो कि ये काफी तगड़ा बेनिफिट मैं इसे कह सकता हूं। इसके बाद कार्ड रुपए वेरिएंट द्वारा इशू होता है जिससे आप UPI ट्रांजेक्शन कर ही पाएंगे, तो इस कार्ड से अगर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन के अंदर कार्ड को एड करते हैं एज ए UPI और वहां से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1.5% का कैशबैक मिलेगा आपको इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर और 1% का कैशबैक मिलेगा आपको प्लस कार्ड।
के ऊपर। लेकिन इसके लिए कंडीशन यह है कि टाटा न्यू एप्लीकेशन में ही कार्ड को ऐड करके ट्रांजेक्शन करेंगे तभी यह फुल कैशबैक मिलेगा, अदरवाइज कैशबैक में कटौती हो जाता है दूसरे किसी एप्लीकेशन में अगर आप लिंक करके यूपीआई पेमेंट करते हैं तो। ये सब के बावजूद ऑल अदर स्पेंड के ऊपर भी कैशबैक मिलता है कुछ कैटेगरी को छोड़ करके, फॉर एग्जाम्पल रेंट हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, फ्यूल हो गया, वॉलेट रिलोडिंग हो गया, ये सब छोड़ करके ऑल अदर स्पेंड के ऊपर 1.5% का कैशबैक इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर और 1% का कैशबैक प्लस कार्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रीमियम बेनिफिट की एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाता है इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर, 8 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाता है, प्लस कार्ड के ऊपर 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाता है, 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको दोनों ही कार्ड में देखने को मिल जाएंगे। अब बिना किसी देरी के इस कार्ड को हम करते हैं फटाफट से अप्लाई, कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे जितने भी बेनिफिट अभी मैंने आपको बताया है सबके सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे इन्फिनिटी और प्लस का, यहां पे दोनों ही कार्ड के बारे में आप जान सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए यहां पे अप्लाई विद मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे मोबाइल नंबर एंटर करके और आगे की तरफ बढ़ना है। इससे पहले आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि आप प्लस कार्ड को कंटिन्यू करेंगे या इन्फिनिटी कार्ड को। मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी कार्ड को आप सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो आगे आपके प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको प्लस कार्ड मिलेगा या इन्फिनिटी कार्ड मिलेगा। अगर इन्फिनिटी का अप्रूवल आता है तो प्लस और इन्फिनिटी दोनों का अप्रूवल आएगा, और अगर प्लस का अप्रूवल आता है तो इन्फिनिटी का अप्रूवल नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि आपने इन्फिनिटी कार्ड को सेलेक्ट करके अप्लाई किया है या प्लस कार्ड को। चलिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके और आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैन नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे पैन नंबर एंटर करके और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ चुका है, इसे हमें एग्री करके और आगे की तरफ प्रोसीड करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपको HDFC बैंक के थ्रू OTP भेजा गया है, OTP एंटर करिए। पहले जो OTP सबमिट किया था वो टाटा न्यू ऐप के थ्रू OTP आया था, अब जो OTP आएगा वो HDFC बैंक की तरफ से आएगा, जो OTP यहाँ पे फिल करके आगे की तरफ प्रोसीड करना है। उसके बाद देख लीजिए कुछ डिटेल आपको मैन्युअली फिल करना होगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया और जो आपने पैन नंबर डाला उस बेसिस पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ चुका है, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपको ईमेल आईडी डाल देना है और एंड में देखेंगे तो रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक फिल है तो सही है, अगर नहीं है तो आप ये वाला रेफरल कोड फिल कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों का कार्ड अप्रूव हो रहा है। चलिए उसके बाद अगले पेज के ऊपर हमें 2 ऑप्शन शो किए जा रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ पे कंपनी नेम डालेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो दुकान हो गया या जो भी आपका काम धंधे का नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद देखिए जैसे ही हम बिजनेस नेम डाल देते हैं उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे फुल एड्रेस हम एंटर कर देंगे, जैसे कि हाउस नंबर, एरिया, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क और एंड में पूछा जा रहा है ये जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है क्या ये सेम एड्रेस आधार कार्ड के ऊपर है, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मेरा तो यही एड्रेस आधार कार्ड में भी है तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ, नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे 90 सेकंड का टाइमिंग चल रहा है लेकिन 10 सेकंड के अंदर अप्रूवल आ जाता है और ये फाइनली हमारा अप्रूवल आ चुका है। ओहो यहाँ पे 2 कार्ड के अप्रूवल आ चुके हैं, इन्फिनिटी का भी, और ये इन्फिनिटी का पहली बार हमें अप्रूवल आया है, इससे पहले प्लस कार्ड का ही अप्रूवल आता था, यानी कि प्लस कार्ड जो है वो लोअर वेरिएंट का है और इन्फिनिटी कार्ड हायर वेरिएंट का है। और यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है 0 ज्वाइनिंग फी लिमिटेड पीरियड ऑफर। चलिए तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी कार्ड को ही लेना चाहूंगा। तो जैसे ही कार्ड सेलेक्ट करके नीचे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो रहे हैं कि आप रुपए वेरिएंट में लेना चाहते हैं या वीजा वेरिएंट में, और आपको पता ही है अगर रुपए लेंगे तो UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं तो रुपए वेरिएंट वाला कार्ड लेना चाहूंगा, आप अपने हिसाब से देख के सेलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है योर ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे ऑफिस एड्रेस आपका डाल देना है, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं अपना दुकान है या जो भी जहां पे भी आप काम धंधा करते हैं वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, एरिया, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर देना है प्रॉपर। चलिए मैं सारा डिटेल फिल करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए सारा डिटेल फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आप देख लीजिए एंड में एक सवाल पूछा जा रहा है, बिफोर योर KYC इज डन वन लास्ट डिटेल मदर फुल नेम, यहाँ पे आपको मदर नेम एंटर कर देना है, नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे KYC के तरफ हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है, जहां पे देख लीजिए कीप योर आधार नंबर, कीप ओरिजिनल पैन कार्ड और व्हाइट पेपर पेन और हाई क्वालिटी इंटरनेट। चलिए हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं और हम KYC कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आपका HDFC में पहले से कोई अकाउंट होगा या रिलेशन होगा तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा जहां पे आप
आपको अपना अकाउंट ऑथेंटिकेट करना होगा क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, और जैसे ही डिटेल डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट से फैच कर लिया जाएगा डाटा और आपका वीडियो केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस फैमिली मेंबर का पहले से कोई एचडीएफसी में अकाउंट नहीं है, मुझे तो हैरानी इस बात के है कि बिना अकाउंट के भी इतना अच्छा लिमिट के साथ अप्रूवल आया है। खैर अकाउंट नहीं है तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कंसेंट हमें देना है और प्रेफर्ड लैंग्वेज वीडियो केवाईसी के लिए क्या आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमसे यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, आधार नंबर एंटर करके जनरेट ओटीपी के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार वाला जो ओटीपी आएगा ओटीपी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ओटीपी का आप वेट जरूर करें, थोड़ा सा समय लगता है, रीसेंड बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज रीसेंड करेंगे फिर उल्टा पुल्टा ओटीपी हो जाएगा, फिर ओटीपी आना बंद हो जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, तो आप वेट करें, धैर्य रखें। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी सबमिट कर देता हूँ। अब देख लीजिए फिर से वही बात बताया जा रहा है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, व्हाइट पेपर और ब्लू पेन, ठीक है, आपका इंटरनेट सही होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो केवाईसी कंप्लीट किया हमने उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ क्या क्या चीजें पूछा गया। देखिए सबसे पहले आपका एक सेल्फी कैप्चर किया जाता है, उसके बाद पैन कार्ड के साथ एक सेल्फी कैप्चर किया जाता है, एक लाइव सिग्नेचर आपसे करवाया जाएगा, यानी कि जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं उसमें आपका मुंह भी दिखना चाहिए और आपका हाथ जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो भी दिखना चाहिए इस प्रकार से। उसके बाद दोबारा से उस सिग्नेचर का फोटो खींचा जाएगा और पूछा जाएगा, आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा कि ये जो सिग्नेचर है ये प्राइमरी बैंकिंग के लिए अपडेट में लिया जाए, तो आप कहेंगे यस, तो आपका सिग्नेचर जो है एचडीएफसी बैंक में रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट क्या है, आप चाहे तो वहाँ पे लास्ट 4 डिजिट बता सकते हैं, या वो कहते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पूरा मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं। उसके बाद होम एड्रेस का पिन कोड हमसे पूछा गया वेरिफिकेशन के लिए, और लास्ट में पूछा जाता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है, बस इतना ही, कहाँ काम करते हैं, ऑफिस एड्रेस क्या है, इनकम क्या है, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा वीडियो केवाईसी के दौरान डिस्प्ले के ऊपर नंबर कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं वो उनको पढ़ के बताना होता है, आपको 6 डिजिट का नंबर रहेगा, आप उनको पढ़ के बताएंगे। वहीं पे एक चीज और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट नहीं है तभी वीडियो केवाईसी होगा, अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट है तो कोई भी वीडियो केवाईसी का झंझट में आपको नहीं पड़ना होगा। कार्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाता है, और जैसे ही आप वीडियो केवाईसी कर भी लेते हैं एचडीएफसी में रिलेशन नहीं है फिर भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये क्रेडिट कार्ड जो फैमिली मेंबर का लिया हूँ बड़े ही आसानी से और स्मूथ प्रोसेस के साथ मिल गया कार्ड। लेकिन बात वही है कि बिना किसी इनकम प्रूफ के और फास्ट अप्रूवल के लिए आपका जो सिविल है वो अच्छा खासा होना चाहिए। इस फैमिली मेंबर के सिविल में पहले से 2-3 क्रेडिट कार्ड था, सिविल ज्यादा अच्छा नहीं था, 760 ही था, लेकिन 760 अच्छे डाटा के साथ सिविल होना, तो टोटली मैं कह सकता हूँ कि आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लिमिट मिलेगा और कितना फास्ट अप्रूवल होगा, ये सब कुछ आपका सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। जाइए दोस्तों इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिसीजन पिन कोड दे दिया, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिया ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।